हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक इंग्लिश का एक फ्रेज लेकर आया हूँ जिसका आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करोगे। तो आज का हमारा जो फ्रेज है वो है मेक अ मिंट। मेक अ मिंट का मतलब होता है बहुत अधिक धन कमाना या फिर बहुत अधिक रुपये कमाना। आप इसे इंग्लिश में इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, टू अर्न मनी इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। तो आप इस फ्रेज का यूज तभी करेंगे, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि इस फ्रेज का यूज आप तभी करेंगे जब कोई भी व्यक्ति अच्छे काम करके बहुत अधिक पैसे कमाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सोहन इस कंपनी में बहुत अधिक धन कमा रहा था, और ये पास्ट में है रहा था, तो हम बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन, सोहन वाज मेकिंग अ मिंट इन दिस कंपनी। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सीता विद्यार्थियों को पढ़ाकर बहुत अधिक पैसे कमा रही है, ये प्रेजेंट में है इसीलिए इसे हम इज एम आर से बनाएंगे, सीता के लिए इज आएगा, सीता इज मेकिंग अ मिंट बाई टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस फ्रेज का यूज हम अपने दैनिक लाइफ में या फिर दैनिक जीवन में कैसे करेंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का दूसरा एडवांस स्ट्रक्चर जिसे आप अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे, और ये स्ट्रक्चर मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। तो आज का स्ट्रक्चर है सून टू बी। सून टू बी का मतलब है बनने वाला है या फिर बनने वाली है या फिर होने वाला है या फिर होने वाली है। आप इस स्ट्रक्चर का यूज अपने डेली लाइफ में इस तरीके से करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर वाज, ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है आपको पता होगा। उसके बाद आप लगाओगे सून टू बी, और उसके बाद आप लगाओगे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स बोलने का मतलब दूसरे तरह के जितने सारे शब्द आएंगे उसके बाद हम यूज करेंगे सून टू बी के बाद। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारा आज का पहला एग्जाम्पल है, वह एक खिलाड़ी होने वाला है, ये प्रेजेंट में है इसीलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की मदद से बनाएंगे। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा ही इज सून टू बी अ प्लेयर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह एक शिक्षक बनने वाला है या फिर होने वाला है, तो आप इसका बनाएंगे ही इज सून टू बी अ टीचर। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह मेरी पत्नी होने वाली है, सी इज सून टू बी माई वाइफ। तो आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एडवांस डेली स्ट्रक्चर की तीसरी वीडियो। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे समथिंग टू डू विथ, इसका मतलब होता है लेना देना है या फिर मतलब है। मतलब आपको समथिंग टू डू विथ जो फ्रेज है इसका हिंदी मीनिंग लेना देना है या फिर मतलब है। इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे इसको आप इस स्ट्रक्चर की मदद से बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए हैड, उसके बाद आप लगाओगे समथिंग टू डू विथ, उसके बाद आप यहाँ पे यूज करोगे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब है कि और कोई भी दूसरे तरीके के जो शब्द आएंगे उसको आप प्रयोग करोगे। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, प्रेजेंट के लिए जो हैज हैव यूज करोगे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर जो होता है ही सी इट, और किसी का नाम उसके लिए आप हैज का प्रयोग करोगे, और हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ करोगे। और पास्ट में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पास्ट में सभी के साथ आपको हैड का ही प्रयोग करना है।
तो चलिए अब एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारी बहन से लेना देना है, या फिर मुझे तुम्हारी बहन से मतलब है। तो हम बनाएंगे आई हैव, चूँकि ये प्रेजेंट में है तो हम बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन आई हैव समथिंग टू डू विथ योर सिस्टर। दूसरा एग्जाम्पल है, रानी को इस विद्यालय से लेना देना है, या फिर आप कह सकते हैं रानी को इस विद्यालय से मतलब है। तो आप बनाओगे रानी हैज, क्योंकि ये प्रेजेंट में है और रानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। रानी हैज समथिंग टू डू विद दिस स्कूल। तीसरा एग्जाम्पल है, मुझे उससे लेना देना था। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये पास्ट में है तो इसे हम बनाएंगे आई हैड, चूँकि ये पास्ट में है तो हैड लगाएंगे, आई हैड समथिंग टू डू विथ हिम। राम को मेरे भाई से लेना देना था, ये भी पास्ट में है तो इसे भी हम हैड लगाकर बनाएंगे, राम हैड समथिंग टू डू विथ माई ब्रदर।